सो हेलो एवरीवन, दिस इज करण, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, होप करता सब बेटर होंगे। तो भाई आज फर्स्ट वीडियो पार्ट वन एक्सेस 125 BS6 अपनी भाई इसकी मेजर सर्विस होने जा रही है। तो ये वीडियो रहेगी आपकी पार्ट वन। तो भाई पार्ट वन में क्या क्या काम होने वाले ये सब चीज़ बताएंगे, ये वीडियो पूरा आपको दिखेगा। तो पार्ट वन में आज होने जा रहा भाई इंजन ऑयल चेंज होगा, गियर ऑयल चेंज होगा, एयर फिल्टर चेंज होगा, स्पार्क प्लग चेंज होगा, ये चार चीज़ जो है चेंज होने वाली है। क्योंकि इस पर ऑयल फिल्टर जो नहीं है तो हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं, बाकी खाली ऑयल का स्ट्रेनर है वो खाली साफ़ करना है। तो जो है ये काम होने वाला अपने एक्सेस पे, आज पार्ट वन वीडियो है, ठीक है। तो पार्ट वन वीडियो स्टार्ट होने के पहले एक बात बोलना था आपको कि भाई मेरे एक्सेस की सेवन्थ सर्विस, जो सेवन्थ पेड सर्विस होती है, वो आ गई है, ठीक है। उसका टाइम हो गया एंड उसकी किलोमीटर भी हो गई है। तो झमेला ये हो गया कि भाई अभी वो पेड सर्विस नहीं करूँगा तो जो मेरी एक्सेस की वारंटी है 2 साल की नॉर्मल कंपनी की वारंटी प्लस एक्सटेंडेड मैंने 5 साल की वारंटी और ली है, ठीक है, तो वो लैप्स ना हो जाए। तो एक झमेला में फंस गया हूँ कि भाई टाइम एंड डेट भी आ गया और जो किलोमीटर जो होने चाहिए सेवन सर्विस में वो भी पहुँच गया। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मजबूरन मेरे को सुजुकी सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। वहाँ पे खाली क्या है कि मैं वहाँ पे इंजन ऑयल खाली चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो इंजन ऑयल कैसे चेंज करना और मैं कौन सा इंजन ऑयल सेलेक्ट किया हूँ अपने एक्सेस के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था 4-5 इंजन ऑयल आपको दिखाया था कि इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा, आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो कमेंट में लोगों ने लिखा था कि मोटुल की 300V जो होती है 530 वो डालो, कमेंट्स आए थे, DM ज़्यादा आए थे कमेंट का, DM ज़्यादा है, ठीक है। तो देखता हूँ अभी क्या, जब जाऊँगा अभी सर्विस सेंटर तो सेलेक्ट करता हूँ कौन सा इंजन ऑयल डालते हैं, जैसा मेरा मन करेगा वही करेंगे, तो आगे आपको देखने मिल जाएगा। तो अभी क्या है कि खाली मैं सर्विस सेंटर जाऊँगा, वहाँ पे मुझे अपनी जो किताब भरनी होती है ना सेवन सर्विस की पेड सर्विस की कूपन है वो करूँगा, उसके पैसे पे करूँगा, खाली इंजन ऑयल जो है वो वहाँ पे चेंज कर लूँगा ताकि लगे कि हाँ भाई कुछ काम हुआ है। वो करा के फिर मैं एक्सेस लेके घर आ जाऊँगा, फिर घर में चेंज करूँगा स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर, स्पार्क और गियर ऑयल, ये चीज़ मैं घर पे करूँगा, आपके सामने में दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाकी सब काम जो होने वाले वो घर पे ही होने वाला है, ठीक है। बाकी जो 6-7 वीडियोस और निकलेगी कंप्लीट सर्विस की वो घर पे होगी। तो अभी चलेंगे सर्विस सेंटर में, वहाँ पे कल इंजन ऑयल जो ड्रेन होगा, इंजन ऑयल कौन सा डाल रहा हूँ वहाँ आपको दिखाऊंगा, और फिर वापस वहाँ से घर आके फिर घर पे जो काम करने वाला वो करूँगा, ठीक है। तो ये सर्विस बीच में आ गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो भाई इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करना, ठीक है। तो इसमें मैं भी मजबूर, मैं फंस गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि किलोमीटर वैसे आ गई है एंड सेवन सर्विस भी कराना ज़रूरी था क्योंकि मुझे वारंटी कवर करना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, बाहर एक्सेस लगी हुई है, कौन सा इंजन ऑयल मैंने सेलेक्ट किया है, कौन सा ऑयल को मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे चेंज करने के लिए, चेंज करा के फिर वहाँ से घर आएंगे। तो चलते हैं बाहर, और लगी हुई एक्सेस फिर वहाँ जाकर बातें करते हैं। सो गाइज अभी आ गए हैं सर्विस सेंटर पे, तो और देख लो भाई यहाँ पे भाई ने पूरा सीट वगैरह खोल लिया और अभी यहाँ पे इंजन ऑयल ड्रेन करने की प्रोसेस पे है। तो नीचे इन्होंने जार लगा दिया भाई, ड्रेन जार रहता है जो ऑयल का, और यहाँ मैं यूज़ करूँगा 300V इंजन ऑयल 530। और यहाँ पे देख लो ऑयल ड्रेन होना स्टार्ट हो गया, जो पहले मैंने डाली थी 5100 मोटुल की 10W30। और यहाँ पे देख लो भाई ये खुला हुआ है इसका एयर फिल्टर, तो एयर फिल्टर भी चेंज होगी जो मैं घर पे लेके जाऊँगा। और यहाँ पे भाई सोच रहा हूँ कि अंदर थोड़ा साफ वगैरह करा लूँ, और ये इंजन ऑयल जो है 5W30 300V ये डलने वाली है, आप लोगों ने कमेंट किया था। और यहाँ पे देख लो भाई इसका प्राइस 1075, और ये कंप्लीट सील बॉटल है भाई, अभी डलेगा इस पर 750 ml। और यहाँ पे भाई ऑयल डालना स्टार्ट कर रहे हैं, खाली यहाँ पे सर्विस सेंटर पे मैं जो ऑयल डलवा रहा हूँ, बाकी जो है एयर फिल्टर स्पार्क प्लग जो चेंज कर रहा हूँ वो घर पे कर रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे भाई ऑयल डाल रहे हैं, तो ये आप चेक कर लो, ठीक है। तो अभी मैं सबसे महंगा इंजन ऑयल जो भाई सुपर बाइक्स की वो मैं अपने एक्सेस में डाल रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक कर लो भाई। लोगों ने चैलेंज किया था कि भाई तू नहीं डाल सकता, तो इसलिए डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भाई डाल रहे हैं, तो यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि भाई कितना ऑयल डल गया है। तो 750 ml जो इंजन ऑयल डालना है इस पर, यहाँ पे बहुत बचा हुआ, और भैया अभी डाल रहे हैं तो 750 डालेंगे तो बाकी जो है 250 ml बच जाएगा। ये 300V 5W30 इंजन ऑयल है भाई, देखो सबसे महंगा 1075 रुपये MRP इसका, 530 इंजन ऑयल। देखो अभी भी अंदर पे थोड़ा सा बचा हुआ है, ये हो गया आपका 300 ml बचा हुआ है, ठीक है। ये देखो भाई ये देखो अंदर ऑयल है, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ बाद में काम आएगा। तो अभी सर्विस सेंटर पे देखो भाई, वो वहाँ पे करवाना पड़ता, वहाँ पे मैंने करवाया क्योंकि किलोमीटर जो है वैसे ही
सेवन्थ सर्विस का जो 19,000 किलोमीटर में होता है, तो वहाँ भाई 20,000 किलोमीटर जो स्कूटी पार हो गई है मेरी, तो आपको चेक करा देते हैं भाई चाबी कहाँ है। तो ये देख लो भाई 20,000 जो है पार हो गई है, तो इसलिए भाई वहाँ सर्विस करानी पड़ी मेरे को, मतलब कि आपका वारंटी जो है 5 साल का उसको कवर करने के लिए। 20,935 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है मैंने ट्रिप ए को ज़ीरो कर दिया था, 9.5 किलोमीटर चल गई है। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, स्पार्क प्लग एंड एयर फिल्टर चेंज नहीं कराया मैंने, आपके लिए छोड़ दिया कि चलो भाई घर पे चेंज कर लेंगे तो आपके लिए एक वीडियो बन जाएगी। तो ये रही स्पार्क प्लग सुजुकी की ओरिजिनल, 192 रुपीस की है, ठीक है। यहाँ चेक कर लो, 11/22 मतलब कि नवंबर 2022 का है। तो भाई यहाँ अपने पास इसी स्टार का शैम्पू है पूरा, इसी से वॉशिंग हुई, एक्सेस वहीं पे करा ली, तो सुजुकी मिल जाता भाई ये शैम्पू, ये अपने पास रखा हुआ, जब वॉशिंग होती है तो मैं इसी से करवाता हूँ। तो वहाँ पे क्या किया, खाली सर्विस सेंटर मैंने मोबाइल चेंज करा लिया, और भाई बुक जो रहता है, जो एक्सेस सर्विस की बुक रहती है, सर्विस बुक भरवा ली। बाकी मैंने कहा भाई वीडियो बनानी है अपने सब्सक्राइबर लोगों के लिए, तो मैं एयर फिल्टर जो है घर पे ले गया हूँ, आपको चेंज करके दिखानी है। तो ये देख लो भाई सर्विस इसकी ओरिजिनल सुजुकी की एयर फिल्टर, जो कि 10 किलोमीटर चल गई मेरी, और ये 242 रुपीस प्राइस है इसकी, चेक कर लो। एयर फिल्टर ओरिजिनल है पूरा, अंदर पे इसका गैसकेट फोम सब रहता है, और ये रहा स्पार्क प्लग जो कि अभी चेंज करेंगे। तो ये सर्विस की जो है फर्स्ट पार्ट है एक्सेस की, ठीक है। तो मोबाइल डालते हुए आपने देख लिया वीडियो जो है, एयर फिल्टर किट पूरा, स्पार्क प्लग, और गियर ऑयल भी चेंज करेंगे, ठीक है। गियर ऑयल भी चेंज होगा इस पर, तो अभी ये सब कवर खोलने पड़ेंगे। ये सब कवर खोलने के लिए भाई अपने पास टूल किट है, तो टूल किट से सारा ये सब बॉक्स खोल लेते हैं, ये भी खोलना पड़ेगा तो स्पार्क प्लग निकालने के लिए। साइड कवर जो खुल गया है, अभी जो है स्पार्क प्लग को निकाल लेते हैं, ठीक है। स्पार्क प्लग का टूल अपने पास, ये देखो एक बॉक्स रेंच होता है स्पार्क प्लग के लिए, ये जो है स्पार्क प्लग हो गया अंदर आपका, ये देखो अंदर चेक कर लो। तो इसको निकाल के दिखाते हैं भाई पुराना कैसे कंडीशन में, क्योंकि ये 10,000 किलोमीटर चल गई है। लास्ट सर्विस मैंने 10,000 रुपये कराई थी, तब स्पार्क प्लग चेंज हुआ था और एयर फिल्टर चेंज हुआ था, तो अभी जो दोनों चेंज होने वाला है। यहाँ जो है स्पार्क प्लग लूज करती है, क्योंकि भाई एक हाथ से वीडियो बनाना एक हाथ से दिखाना दिक्कत है थोड़ी सी। ये रहा स्पार्क प्लग जो है आ गया बाहर, आपको दिखा देते हैं। NGK MR7E9 पार्ट नंबर इसका, NGK का ओरिजिनल, और यहाँ चेकआउट कर लो भाई स्पार्क प्लग का बीच में, देखो इलेक्ट्रोड जिसको कहते हैं, ठीक है। अबे भाई फोकस ले यार, हाँ देखो ये मेल्ट हो चुका है, ठीक है। साइड से देख लो आपको बेंड हो गया होगा, ठीक है। ये देखो बीच का जो इलेक्ट्रोड लग रहा है आपको, वो बेंड हो चुका है। ये चक्कर से आपकी माइलेज नहीं देगी, पिकअप नहीं देगी, और 10,000 प्लस किलोमीटर हो गया, तो और इसकी लाइफ उतनी होती, क्योंकि कन्वेंशनल स्पार्क प्लग है, इसका इतना ही चलने वाला है, तो माइलेज अच्छी है। देखो बीच में इलेक्ट्रोड वाइट है इसका कवर, तो भाई अब इसको जो है रिप्लेस करते हैं, निकालते हैं नया। ये आ गया नया स्पार्क प्लग सुजुकी का ओरिजिनल जेन्युइन, ये चेक कर लो, ठीक है। न्यू ऐसा होता है, और बीच का भी देखो पॉइंट इस तरह से रहता है नया होने से, देखो तो यहाँ देख लो भाई बीच में पॉइंट का फ़र्क पता चल रहा होगा आपको, कि लेफ़्ट साइड वाला जो यूज्ड है उसका मेल्ट हो चुका है, ठीक है, और गैप आ गया है। एंड ये न्यू वाला देख लो, ठीक है। तो ये रीज़न से स्पार्क प्लग जो है बदली किया जाता है, क्योंकि गैप आ जाता है, बीच का पॉइंट जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो 10,000 इसकी लाइफ होती है, मैक्सिमम आप 12,000 ले जाओ, ठीक है। तो मेरी 10 हो गई है, तो मैंने अभी बदली कर रहा हूँ। तो न्यू वाला स्पार्क प्लग पर थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं इसके थ्रेड पर, तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा गियर ऑयल है, इसका थ्रेड पे थोड़ा सा ऑयल डालना है इस तरह से। तो थ्रेड में ऑयल लगा दिया, वापस इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। स्पार्क प्लग इंस्टॉल हो गई है, देखो वापस से कैप लगा दी। अब एयर फिल्टर खोलना है, तो एयर फिल्टर के यहाँ पे अंदर साइड से दो क्लिप होते हैं, ठीक है, पुश क्लिप जिसको बोलते हैं। तो दोनों साइड को ऐसे हाथ से खोल लेने का है, तो ये हाथ से खुल गया, बाकी दो नीचे स्क्रू होते हैं उस साइड पे, तो उसको खोला जाए। तो यहाँ एयर फिल्टर निकाला है, चेकआउट कर लो,
ये एयर फिल्टर इसका पूरा ब्लैक हो चुका है, ठीक है। और ये रहा न्यू वाला खोल के आपको दिखाएंगे कैसा दिखता है ये, ठीक है। इसके तीन होते हैं स्क्रू, और ये रहा इसका बॉक्स। देख लो यहाँ पे नीचे में चार स्क्रू के होल है, तो इसको क्लीन करना, ऑयल लगा हुआ है इसमें पूरा। तो ये ओल्ड फिल्टर 10,000 के ऊपर नहीं चलता, 10,000 लाइफ है इसकी, 10,000 हो चुके हैं, ठीक है। तो इस पे ही ऊपर एक फोम का कवर रहता है, ये हमेशा लगाएं, क्योंकि जितना गंदा मोटा डस्ट रहता है ये सारा अट्रैक्ट करता है अपने तरफ में। ये फिल्टर की लाइफ जो अंदर पेपर फिल्टर है, विस्कस फिल्टर जिसको बोलते हैं, उसकी लाइफ जो इंक्रीज़ हो जाती है, ये रीज़न से 10,000 किलोमीटर के आसपास चल जाता है भाई ये, ठीक है। तो ये लगाना है, सारा पैकेट में इंक्लूड रहता न्यू वाला में। अंदर एक रबड़ के साथ ही गैसकेट रहती है, फोम रहता है, सब रहता है। तो इसको अनरैप करते हैं अभी। तो यहाँ अभी जो है नया फिल्टर अनरैप कर दिए, ये रहा पुराना वाला, ये पुराना ले सेट रहता है, ये नया वाला देख लो भाई। अंदर में ये ओरिंग रहता है, साइड का गैसकेट बोलते हैं। ये जो कवर है ना, ये देखो कवर है जो एयर फिल्टर का, ये साइड में देखो भाई गैसकेट लगा हुआ रहता है, ताकि पानी वगैरह और बाहर से डस्ट नहीं जाए एक्स्ट्रा। ये बहुत अच्छा सुजुकी का मेरे को लगा कि भाई एयर फिल्टर का साथ में गैसकेट मिल रहा है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मुझे पता था, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ का मतलब है कि खाली सुजुकी ही कंपनी अपना एयर फिल्टर में ऐसा पैकिंग देता है, बाकी सब कंपनी का तो आज तक मैंने ये सब देखा ही नहीं। ये अलग से गैसकेट दे रहे हैं, ये देखो, ये साथ में एयर फिल्टर के अंदर पे ये एक फोम एलिमेंट रहता है, ताकि आपका एयर फिल्टर की लाइफ डबल हो जाए। जो 5,000-6,000 चलने वाली है वो 10,000-12,000 चलेगी, क्योंकि जितना मोटा मोटा कचड़ा मोटे पार्टिकल्स है वो सारा ये फोम अट्रैक्ट कर लेता है। उसके बाद जा कर के आपका ये एयर फिल्टर जो है, देख लो भाई ये एयर फिल्टर की हाल देखो, और ये पुराना फिल्टर के दिखाता हूँ आपको, तो आपको मालूम चलेगा। ये देखो न्यू और ओल्ड में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो यही है, फिल्टर चेंज करने का 10,000 प्लस हो गया, और ये रहा नया वाला फोम। ये दोनों को फाड़ करके, ठीक है, इस पर रखते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ऑयल डल रहता है, ये फिल्टर पे ऑयल रहता है, तो ये ऑयल को थोड़ा पोंछ लेते हैं बाहर पे, उसके बाद इसको लगाते हैं। तो ये नया एयर फिल्टर रेडी कर दिया मैंने, देखो फोम लगा के। ये नया वाला फिल्टर है भाई, ये देखो न्यू फिल्टर, ये रेडी हो गया। ऊपर फोम ऐसे लगा दिया क्योंकि यहाँ पे इसका घाट बने हुआ रहता है। ये देखो ऐसे बैठ गया, और अभी जो है ये कवर का गैसकेट चेंज करते हैं, ठीक है। गैसकेट देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ये देख रहे हो अंदर पे, ये देखो ये गैसकेट है। ये जो टेस्टर से ऐसे निकालना पड़ता है, ये देखो ये हो गया कवर, ये ऐसे निकलता है भाई, ये देखो ये रबड़ निकला, ये गैसकेट, ठीक है, ये गैसकेट हो गया, ये हो गया नया आपका। तो ये नया लगाते हैं, जैसे खोला है ना बस वैसे इसको बैठाना है, तो इसको लगा के फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देख लो भाई नया गैसकेट, ये देखो साइड में जो है ओरिंग रहता है, ये लगा दिया गैसकेट, ताकि ये अच्छा से पैक हो जाए, सील हो जाए। एयर फिल्टर रेडी हो गया, कंपार्टमेंट भी क्लीन कर दिया। तो ये देखो भाई, ये अंदर पूरा अच्छे से साफ कर दिया, ठीक है। और फिल्टर जैसे खोला था लेकर के वैसे लगाना है। यहाँ पे भाई एयर फिल्टर जो है वो लग चुका है, ठीक है। सारे स्क्रू जो है देख लो भाई लग गए हैं, ठीक है। तो एयर फिल्टर जो है यहाँ पे रेडी हो चुका। हाँ तो भाई अभी डलने वाला है गियर ऑयल, ठीक है। तो अभी गियर ऑयल कैसे डाला था मैंने आपको पहले वीडियो दिखा चुका हूँ कि भाई गियर ऑयल से कैसे गियर ऑयल निकाला जाता है गियर बॉक्स से। पहले वीडियो मैं बना चुका हूँ इसके ऊपर पे। और ये रहा अपना कैस्ट्रॉल का गियर ऑयल 80W90। तो ये अभी डलने वाला है, तो चलिए भाई अभी इसको ड्रेन कर लेते हैं और बॉक्स लेकर ड्रेन करते हैं। तो ये मैं छोटा सा एक लेके आ गया भाई डब्बा टाइप का, और यहाँ पे इसका है देखो 12mm का बोल्ट है, दो, एक नीचे एक ऊपर। नीचे ड्रेन का होता है, ऊपर फिल का होता है। तो पहले ऊपर खोल लेते हैं, तो ऊपर वाला खोल करके भाई ऑयल ड्रेन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने लास्ट टाइम डाला था वीडॉल का गियर ऑयल, ठीक है। तो वीडॉल का गियर ऑयल पूरा रेड कलर का था, तो और वो पता नहीं कैसे निकलेगा अभी, तो कुछ दिन पहले डाला था। ये देख लो भाई ये ऑयल निकलना स्टार्ट हुआ। ये है वीडॉल का गियर ऑयल है 80W90। ये भी भाई छोटा एक पाउच में मिलता है सेम 120ml वाला, तो ये भी भाई पूरा साफ निकला है। तो अभी एक लास्ट वाला बोल्ट खोल लेते हैं नीचे बड़ा वाला, ठीक है। तो अंदर का जितना ऑयल है वो सारा निकल जाएगा इस पर। तो ये ऑयल सिर्फ 4,000 से 5,000 किलोमीटर ही चला है, तो मेरे को लगा था कुछ डाउट कि कहीं ज़्यादा ऑयल ख़राब ना हो जाए। तो विडॉल कंपनी का ऑयल डाला तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो लेकिन ऑयल तो पूरा साफ ही निकला है भाई, मतलब
ऑयल ड्रेन करना मेरे लिए वेस्ट हो गया। ये बोल्ट भी खोल रहे भाई, थोड़ा सा फंसता है, ये नीचे वाला थोड़ा सा इसका वॉशर रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ पे ऑयल पूरा, ये देखो रेडी निकला है पूरा, मतलब कि गियर बॉक्स मेरा एकदम साफ है और क्लीन है, इस पर कोई भी डस्ट नहीं है, वेयर एंड टेयर नहीं है भाई, एकदम ऑयल देख करके मज़ा आ गया, एकदम गाढ़ा ऑयल है, एकदम मोटा 80W90, ठीक है। और ये देखो यहाँ लिखा हो 50 ml, तो और ये अपने पास सीरेंज 60 ml का है, तो ये सीरेंज भर के पूरा जो है नया ऑयल पूरा अंदर गियर बॉक्स पे डाल देंगे, जब तक अभी ड्रेन हो रहा निकलने देते हैं, उसके बाद ये सीरेंज से पूरा ऑयल भर के न्यू कैस्ट्रोल वाला जो ऑयल है वो पूरा डाल देंगे गियर बॉक्स पे। और भाई गियर बॉक्स पूरा और जितना साफ़ है और साफ़ होते जा रहा है, क्योंकि मैं हर बार जो है हर बार ऑयल चेंज करते जा रहा हूँ, साफ़ होते जा रहा है। और ये देख लो भाई, यहाँ से ऑयल पूरा निकल चुका है पूरा, और ये देखो भाई रेड कलर का पूरा गियर ऑयल, एकदम गाढ़ा गियर ऑयल है, एकदम मोटा है भाई, ठीक है। तो यहाँ चेकआउट कर लो, पूरा साफ निकला है, थोड़ा भी ख़राब नहीं है ऑयल। और अभी जो है इसका बोल्ट लगा लेते हैं, तो ये हो गई इसकी 12 mm की बोल्ट, इसको लगा लेते हैं वापस, पहले नीचे वाला टाइट कर लेंगे, उसको टाइट करने के बाद पे फिर उसके बाद भाई ऊपर वाला जो है वो लास्ट में लगाएंगे जब गियर ऑयल डल जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा हल्का टाइट कर लेते हैं, और टाइट हो जाने के बाद पे इसको हल्का हल्का टाइट करना, ज़रा टाइट करोगे तो स्लिप कर जाएगा, वो एल्युमिनियम की थ्रेड होती है और बोल्ट जो है वो स्टील का होता है, तो हल्का हल्का खाली इसको पंच करना है एंड थोड़ा सा क्लीन कर ले जहाँ से ऑयल डालना है। और अभी जो है सीरिंज को खोल करके इस पे अंदर डालना है गियर ऑयल, तभी उसका ऊपर का भाई काटते हैं इसका फेस और ऑयल को जो है डाल देते हैं इस पे, इसको फिल अप करते हैं गियर ऑयल को पूरा काट करके ऊपर से। एंड उसके बाद भाई ये गियर ऑयल देखते हैं कैसा कलर का निकलता है कैस्ट्रोल वाला, और उसके बाद फिल अप करना स्टार्ट करेंगे भाई इसको। तो चलिए भाई अभी सीरेंज पे डाल लेते हैं ऑयल। तो यहाँ पे जो ऊपर मैंने फेस कट कर लिया है ऑयल का, ठीक है, जो सील रहता है, और अभी सीरेंज के अंदर पे ऑयल जो है मेरे को फिल अप करना है। तो 50 ml लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा 10 ml ज़्यादा बढ़ा के डाल दूँगा, 60 ml डाल दूँगा, तो कोई इस पर चक्कर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो भाई, ये डाल रहा है 60 ml ऊपर दिख रहा है, और यहाँ डाल दिया है मैंने ऑयल, तो ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट येलो टाइप की ऑयल है। तो गियर ऑयल ज़्यादातर येलो ही रहती है, डार्क येलो रहती है या तो लाइट येलो रहती है। तो वीडॉल का जो है वो रेड कलर का, वीडॉल जो है हर चीज़ रेड बनाती है अपनी, रेड वीडॉल का देख लो, आप ग्रीस ले लो, इंजन ऑयल ले लो, चाहे आप गियर ऑयल ले लो, वो रेड कलर पर ही बनाता है। तो यहाँ मैंने 60 ml ऑयल जो है वो ले लिया, और बाकी मेरे पास गियर ऑयल जो है बच गया वो, क्योंकि 120 ml की पाउच रहती है। यहाँ सीरिंज मैं रेडी कर रहा हूँ पीछे से, यहाँ पे मैंने जो है गियर ऑयल को डाल दिया है इस पर दोनों, और बोल्ट जो है टाइट कर दिया है। तो ये सीरिंज देख लो भाई, ये हो गया कंप्लीट। एंड थोड़ा सा अपना पास गियर ऑयल जो है 120 ml, तो 60 ml डाला, 60 ml बचा हुआ है, ये बाद में कभी काम आ जाएगा मेरे होंडा डीओ के लिए, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट वाली सर्विस पे मैं मोटुल का गियर ऑयल डालूंगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसलिए उसको मैंने जो नहीं डाला। हाँ तो भाई आपने जो है फर्स्ट पार्ट की सारी वीडियोस देख ली है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मतलब कि इस पे मैंने अभी इंजन ऑयल डाला है, स्पार्क प्लग चेंज की है, और एयर फिल्टर चेंज किया, गियर ऑयल चेंज किया, ये चार चीज़ जो है ये फर्स्ट पार्ट में अभी आपने देखा। तो अभी जो है अब सेकेंड पार्ट में भाई इसका क्या वीडियो जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा कुछ देर पे। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकती है इसके थ्रॉटल बॉडी के ऊपर हो, ठीक है, क्योंकि ये मेजर सर्विस चल रही है, तो मेजर सर्विस पे सारा काम होने वाला है, 7 से 8 वीडियो आने वाली है। इसके बाद अभी थ्रॉटल बॉडी शायद साफ़ होगी, उसकी वीडियो आएगी, और अभी जो है सारा काम फर्स्ट पार्ट का कर दिया मैंने, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। और भाई ये एक्सेस की सर्विस की सीरीज़ को प्यार दिखाना, ताकि मैं मोटिवेट रहूँगा, और आपके लिए V3 के लिए भी फिर से एक पूरी सीरीज़ वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो वीडियो करते हैं यहाँ पे क्लोज, टिल नाउ राइट सेफ, टेक केयर, सपोर्ट, शेयर द वीडियोस एंड बाय बाय।